जो आप एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम है नंबर, आपके पास जो मेमोरी है जिसका दूसरा नाम आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप रैम के नाम से बहुत अच्छी तरह जानते हो, इस लाइन ऑफ कोड से आपके पास, अच्छा रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपके पास एड्रेसेस होते हैं, जिस तरह आपका घर का एड्रेस, जिस तरह आपके दुकान का एड्रेस, जिस तरह आपके डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस, इसी तरह एड्रेसेस इसमें होते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारा रैम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 0, 1, 2 कहीं जाकर नीचे ये एड्रेस, और कहीं और नीचे जाकर ये एड्रेस, वो शायद मैंने कोई ज़्यादा लिख दिया हो, लेकिन आजकल होते हैं जब आपके पास 8 GB का रैम है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एड्रेसेस होते हैं, तो ये एक एड्रेस, ये एक एड्रेस। अब ये जो इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 10 हमने ये लिखा, इसे क्या हो गया, एक एड्रेस एलोकेट हो गया, तो ये 4 उसके लिए सेव हो गया, ये एड्रेस सेव हो गया किसके लिए, इस नंबर के लिए सेव हो गया। जब आप इसमें लिखते हो इज इक्वल टू 10 तो इन दो में ये 10 सेव हो गया, इन दो में, जिनको मैं ब्लू से कलर कर रहा हूँ, इन दो में हमारे पास 10 सेव हो गया। लेकिन जब हम प्रिंट कर रहे हैं एंड नंबर को, जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये 10 प्रिंट नहीं करेगा, ये वाला एड्रेस प्रिंट करेगा, ये वाला एड्रेस प्रिंट करेगा। एक चीज़ है हेक्साडेसिमल, आपने पढ़ा है हेक्साडेसिमल नंबर, ये आपको प्रिंट करके दे रहा है। हेक्साडेसिमल आपके पास एफ सी बी इस तरह का कोई नंबर है 7, वो हेक्साडेसिमल में आपको प्रिंट करके दे रहा है। समझने वाली बात इसमें यह है कि आप इस तरह से एक एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं। जब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं तो क्या हम इसको एक वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं, वो चीज हम अभी देखेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप लिखेंगे int str और iptr, और अब मैं लिखूंगा iptr is equal to address of number। अब ये भी हम कर रहे हैं, और मैं सी आउट करता हूँ iptr को भी, और इस प्रोग्राम को दोबारा से रन, एरर, दोनों एक चीज है। अगर हम यहाँ पर न्यू लाइन देते तो इस तरह हम क्या करते हैं, उसका एड्रेस हम अपने पास सेव कर सकते हैं। ये आपके पास पॉइंटर की जो स्टार्टिंग इनिशियल कंसेप्ट है वो यही है कि आप एक एड्रेस का वैल्यू अपने पास सेव रख सकते हैं एक वेरिएबल में, जो कि आपके पास इस सिचुएशन में क्या है, ये है। आई पी टी आर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इंटीजर पॉइंटर है, और हर डेटा टाइप का आप पॉइंटर अपने पास रख सकते हैं, चाहे वो करेक्टर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो आपका अपना बनाया हुआ स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। जैसे अगर आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट किया है तो आप स्ट्रक्चर का भी पॉइंटर बना सकते हैं, वो उसका एड्रेस अपने पास सेव कर लेगा। मैं एक और नंबर बना रहा हूँ यहाँ पर, इंटीजर नंबर 2 इक्वल्स 11, और यहाँ पर इसमें इसको प्रिंट करने की बजाय मैं लिखूंगा m% number 2। दो मुख्तलिफ एड्रेसेस हमारे पास प्रिंट हुए। और अगर मैं एक तीसरा भी बनाऊँ इंटीजर नंबर 3 इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी ये, और इसको हम नीचे प्रिंट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर सी आउट करो, एंड लाइन पहले करो, उसके बाद एंड 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 नंबर 28 एफ ई एफ उसी तरह है, 0, 4 और 8 ये क्यों हो रहा है पता है, 0, 4 और 8 वो इसलिए हो रहा है कि हमने पहले बताया कि एक इंटीजर में हमारे पास, एक इंटीजर हमारे पास कितने बिट्स में से होता है, 4 में। तो आप इनके लास्ट वैल्यूज को देखें, ये देखें 0 और ये 4 और ये 8, तो इनमें कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और अगर मैं इंट की बजाय ये इनको करेक्टर ले लूं, तब इनमें डिफरेंस कितने का आएगा, जितने बाइट्स में उसे होता है उतने का उसमें डिफरेंस आएगा, शायद उसमें 1 का डिफरेंस आ जाए। अभी हम देखते हैं, अभी हम करेक्टर का एक पॉइंटर, बल्कि उसका सिर्फ एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, पॉइंटर इस तरह आप लेंगे इसका, इस तरह, ये जो दो काम मैं कर रहा हूँ दो लाइनों में, इस तरह हम उसका एड्रेस लेंगे।
हम यहां पर लिखेंगे 4 4 4 करेक्टर। अब इसमें सेव होगा हमारे पास 5, इसको काट देंगे। इसमें सेव होगा हमारे पास 1, इसको काट देंगे, और इसमें हमारे पास सेव हो जाएगा 1। अब यहां पर क्योंकि ये करेक्टर पॉइंटर है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 4 PTR, और 4 PTR में नंबर का एड्रेस रख दो और बाकी उनको प्रिंट कर दो। इसने कुछ और ही प्रिंट कर दिया, इसका ये कैसे एड्रेस है, तो गार्बेज तो नहीं प्रिंट किया। कैसा एड्रेस था ये, इस पर मैं भी एरर हूं। बहरहाल एक एड्रेस तो है। अच्छा, हम फ्लोट बनाते हैं फिर चेक करते हैं। फ्लोट नंबर इज इक्वल टू 110.2 11.2 50.8। इसको हम फ्लोट बनाएंगे और इसको भी हम फ्लोट बनाएंगे और इसको भी फ्लोट। भी 4 उसमें से होता है बाइट्स में। डबल कितने में होता है, कितने में होता है, 8 में होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसी कंजेक्यूटिवली ये चले जाए, लेकिन ये है कि बताने का मकसद ये है कि आपके पास मुख्तलिफ एड्रेसेस आएंगे। ये वो एड्रेस है जिसमें आपका वेरिएबल इस वक्त सेव है रैम के अंदर। आप जब इस प्रोग्राम को चलाएं इसी बिल्कुल इसी लाइंस को, ये आपको आपके सिस्टम में कोई और वैल्यू देगा। क्यों, उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि आपको एलोकेट कहीं पर और मेमोरी एलोकेट हो आपके प्रोग्राम को, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो, या आपके सिस्टम में उस वक्त कोई और सॉफ्टवेयर चल रहा हो जब आप ये प्रोग्राम चलाएं। उसकी वजह से जो मेमोरी इसको एलोकेट हुई है वो हो सकता है उस वक्त ऑक्यूपाई हो, कब्जे में हो किसी और के, और वो कोई और उसको यूज कर रहा हो, तो इसको कोई नया एड्रेस मिल जाएगा। तो ये चीज इस तरह होती है। आपने क्या किया, इस तरह एक पॉइंटर को अपने पास सेव किया, और इस पॉइंटर से आप मुख्तलिफ फिर काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे।